नाजनादा प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के नाम पर एक बार फिर लॉकडाउन जारी है। हम एक बार फिर घरों में कैद हो गए हैं। जिंदगी मानो जैसे टहर सी गई है, सोच उड़ाने भर भर के थक गई हैं। अब हर लम्हा एक नए रास्ते की तलाश कर रहे होते हैं, मगर अंधेरा इस कदर गहरा है कि कुछ नजर नहीं आता। ऐसे मायूस कुन हालात में हर इंसान का एक ही सहारा बना हुआ है, इंटरनेट वाला मोबाइल। जी हाँ, हर दूसरा शख्स सोशल मीडिया पर मसरूफ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, न जाने और क्या क्या। दरअसल कहने का मतलब यह है कि ये सोशल मीडिया ही है जिसने इंसान को मशीन बना दिया है। हमारे एहसास, जज्बात अब इंसानी नहीं रहे। हम तभी हंसते हैं जब सोशल मीडिया हमें हंसाता है, और हम तभी रोते हैं जब ये रुलाता है। किसी इंसान की मुकम्मल कैफियत और तबीयत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पल पल कैफियत बदलती रहती है। जैसे एक मैसेज या वीडियो हमें हंसाता है, फौरन उसके नीचे दूसरा मैसेज हमें संजीदा बनाता है। फिर हम जैसे ही स्क्रीन स्लाइड करते हैं, अगला मैसेज एक हदीस होता है, उसे पढ़कर दिल दीन की तरफ मायल होने को होता है कि अगली उंगली के स्लाइड से अगला वीडियो हमारी कैफियत बदल देता है। हम किसी इलेक्शन के रिजल्ट में खो जाते हैं। अभी इस पर गौर भी नहीं किया होता कि कोरोना से मरने वालों की वीडियोस आ जाती हैं। अब आप उसको लेकर परेशान होते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, फिर हमारी न्यूज या किसी और न्यूज का नोटिफिकेशन आ जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया ने हमें मशीन या एक रोबोट बना दिया है। हमारे पास हमारी सोच नहीं रही, हम वो सोच रहे हैं जो इंटरनेट या सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। दरअसल हम किसी एक के कंट्रोल में आ गए हैं, हमसे हमारी आजादी छीन ली गई है और हमें इसका एहसास भी नहीं है। और गौरतलब बात यह है कि आजादी भी कौन सी। इंसान की सबसे बड़ी आजादी उसकी सोच हुआ करती है। अफसोस कि आज हमारी सोचने की आजादी भी छीनी गई है। हम हर बात की दलील मीडिया या सोशल मीडिया की देते हैं, यानी हमारे पास अपनी कोई बात या सोच नहीं है। आपको याद होगा, एक जमाना था लोग छोटे छोटे मसाइल पूछने के लिए उलमा के पास जाते, मस्जिदों का रुख करते, बगैर मसला जाने कोई भी काम करने से परहेज करते। खासकर रमजान के महीने में अक्सर मस्जिदों में बैठकर लोग रोजे और दीगर इबादतों के मसाइल पर तबादला ख्याल करते या इमाम साहब से मसाइल जानने की कोशिश करते। लेकिन आज ये सब कहाँ होता है। रोजा कैसे टूटता है ये अगर मसला जानना है तो हम गूगल से पूछ लेते हैं, और गूगल नामी मौलाना या मुफ्ती कई वीडियोज, कई इमेजेस, कई लिंक्स हमारे सामने बिखेर देता है। अब कोई उलमा या इमामों के पास क्यों कर जाए। तो अब ये हाल बन चुका है इंसान का। खैर, आखिर में मुझे जो अहम बात कहनी है उस पर आता हूं, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोरोना की जद में न आए, आप और आपकी फैमिली इस वबा से महफूज रहे, बहुत जल्द इस वबा का खात्मा हो जाए, तो जरूरी है कि दीगर सारे एहतियाती तदाबीर के साथ साथ एक काम और करें कि आप मीडिया, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखें। कोरोना को लेकर वायरल वीडियोस न देखें, खबरें न देखें, आज कितने लोग मरे इन आंकड़ों को जानने की कोशिश न करें। यह मर्ज है भी या नहीं, मास्क पहनना सही है या गलत, कौन सा मास्क पहने, इन सब पर सोचना बंद करें। नमाज, रोजा, तिलावत में खुद को मसरूफ रखें, बाकी वक्त अपने फैमिली के साथ हंसते खेलते गुजारें, परेशान न हो। अगर आपको परेशानी होने लगे तो ये सोचकर खुश हो कि इस वक्त आप अकेले परेशान नहीं, बल्कि सारी दुनिया परेशान है। आप हमारे चैनल को भी उस वक्त न देखें जिसमें
हम कोरोना की रिपोर्ट पेश कर रहे हो। वैसे हम अक्सर ऐसी रिपोर्ट कवर करने से परहेज कर रहे हैं, फिर भी हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं जहां ऐसी खबरें चलानी पड़ती हैं। आप हमारे बाकी दीगर प्रोग्राम्स जरूर देखें क्योंकि आप ही के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। तो देखते रहिए यस इंडिया।